लेट्स टॉक अबाउट कॉकरोच मिल्क टुडे। आपने बहुत सारे फैक्ट पेजेस पे इसके बारे में देखा होगा। शिवम भैया ने भी उसके ऊपर कंटेंट बना दिया है। कॉकरोच मिल्क इज वेरी न्यूट्रिशियस। क्या है वो? बहुत न्यूट्रिशियस। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, इट इज वेरी न्यूट्रिशियस। उसमें ऑलमोस्ट 50% जो है दैट इज प्रोटीन। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, हाई इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यस, इट इज मोर न्यूट्रिशियस देन बफेलो मिल्क। अब आप ये सोच रहे हो उसमें मिल्क निकालते कैसे होंगे? सो मिल्क निकालने की कोई जगह नहीं है, उसको निकालते नहीं है मिल्क को। बेसिकली एक फिल्टर पेपर यूज करते हैं जिससे मिल्क सोखते हैं कॉकरोचेस का, एंड बहुत ही कम मिल्क होता है उनमें। बेसिकली अगर आप 1,000 कॉकरोचेस का मिल्क निकालोगे, तो अगर उनके क्रिस्टल्स के फॉर्म में निकालोगे, तो 1,000 कॉकरोचेस को आपको मारना पड़ेगा ऑलमोस्ट 100 ml मिल्क निकालने के लिए। सो बाजार में इसका आना अभी बहुत मुश्किल है, हो सकता है इन फ्यूचर आए, बट यू हैव टू किल मिलियंस ऑफ कॉकरोचेस एवरी डे टू प्रोड्यूस मिल्क फ्रॉम इट। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर होगा भी तो मेडिकल यूज के लिए होगा, नॉर्मल यूज के लिए नहीं होगा। अगर कॉकरोच मिल्क बाजार में आया तो क्या आप लोग उसको यूज करोगे? टेल मी इन द कमेंट।